डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी मंडी में छात्रों को उचित सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे छात्रों में भारी रोष बना हुआ है। छात्रों की मांग है कि उनके लिए उचित सुविधा का प्रावधान किया जाए। छात्रों ने बताया कि लाइब्रेरी में बहुत संख्या में छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन यहां उन्हें उचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिसका प्रभाव उनकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वे सुबह 9 बजे लाइब्रेरी पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बैठने के लिए सीट नहीं मिल पाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि बाहर के वातावरण का शोर भी लाइब्रेरी में पहुंचता है, जिससे पढ़ाई पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में हमेशा भीड़ रहती है, छात्रों को धक्का मुक्की के साथ लाइब्रेरी के अंदर जाना पड़ रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि या तो लाइब्रेरी में बैठने के लिए उचित सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, या फिर लाइब्रेरी को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अंदर जाने के लिए सिंगल लाइन का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि भीड़ से होकर छात्रों को ना गुजरना पड़े। जी सर, यहाँ पे लाइब्रेरी है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, वैसे हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो नंबर 1 स्टेट है एजुकेशन के मामले में। अभी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा भी अवार्ड मिला अचीवमेंट के क्षेत्र में, बट आप लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ बैठने की समस्या है बहुत। यहाँ चेयर तक नहीं है बैठने के लिए, मतलब है उसमें सीटें फुल होती हैं। सुबह 9 बजे अगर यहाँ पे आके आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी क्राउड होता है बैठने के लिए, और बैठने के लिए जगह तक नहीं है प्रॉपरली। बाहर यहाँ आउटसाइड में क्या बोलते हैं इनको, ये होते हैं अर्जी मिनिस्ट वगैरह, ये काफी मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट से आवाज आती रहती है काफी, जिससे कि डिस्टर्बेंस हो रही है। मतलब ये है, यहाँ से इस जो लाइब्रेरी है यहाँ से हटा के किसी और जगह पे अगर शिफ्ट किया जाए तो ज्यादा बेटर है। एक मेरे हिसाब से, मेरा जो अपना ओपिनियन है, पिछले काफी टाइम से हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। और एक चीज और भी है कि मतलब यहाँ पे देखा जाए तो माहौल तो है, एनवायरमेंट तो है पढ़ने का, बट जो बैठने के लिए जगह है ना वो नहीं मिल पा रही है प्रॉपरली। आप अंदर जाके देखिए, वहाँ पे पानी निकल रहा है, छत से टपक रहा है। हालांकि ये SP ऑफिस की बिल्डिंग है, देखने में देखा जाए तो SP ऑफिस की बिल्डिंग है, बट कुछ एक ऐसा भी होता है कि जो 5 बजे के बाद भी कुछ एक लोग आते हैं। तो मेरा आग्रह है कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, रिजॉल्व किया जाए इस समस्या का, यहाँ से जल्दी से जल्दी मतलब निकाला जाए सिस्टम से। बट नहीं, कोई लाइन नहीं है यहाँ पे, किसी तरह की लाइन नहीं है। कोई आगे पीछे से आके अपनी धौंस जमा के आगे चला जाता है। अगर कोई कुछ बोले तो फिर गुंडागर्दी पे उतर जाती है बातें, फिर वो चीज़ नहीं है ना, एनवायरमेंट नहीं है मतलब प्रॉपर वे में उस तरह का।